रेडमी 8, और जो कि है 8,000 रुपये की रेंज वाला, जिसकी कंडीशन अभी जो मौजूदा रखी गई है कि अगर आप परचेज़ करते हैं इसको तो आपको जो वो पहले कुछ यूनिट जो वो सस्ते मिलेंगे, और वहाँ पर जो वो लगभग 5 लाख जो वो फ़ोन आपको सस्ते मिलने वाले हैं, और उसके बाद जो आपको महंगे मिलेंगे ये। लेकिन पहले ही हमने सेल में जो है इसको परचेज़ कर लिया है, और आपको दिखाते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये देखिए सामने रखा हुआ मिल जाता है हमारे को ये फ़ोन, और साथ में बिल रखा गया है उस बॉक्स के अंदर, और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर है हमारा वो फ़ोन जिसकी हाइलाइट्स हैं 4 GB 64 GB, रेडमी 8 है ये फ़ोन, और जो कि लिखा गया है इंडिया के नंबर वन स्मार्ट बैंड की ब्रांड की तरफ से। तो यहाँ पर जो आपको दिखा देते हैं इसका प्राइस जो वो क्या लिखा गया है, यहाँ पर जो वो इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाता है, 1 सेकंड, 10,999 रुपये। तो ये 10,999 का तो हो या ना हो, लेकिन 9,000 9,500 रुपये तक होने की इसकी उम्मीद है। अभी आप जाकर के परचेज़ करना चाहें तो फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के इसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ही यूनिट्स के बाद आपको ना जो वो महंगा हो जाएगा और महंगा मिलेगा। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस आपको दिए मिल जाएंगे, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है इसके अंदर, और 5,000 mAh की बैटरी जो है इसकी मेन हाईलाइट है, 6.22 इंचज़ की जो है इसकी स्क्रीन है, और यहाँ पर जो कैमरा मिल जाता है इसका 12 MP प्लस 2 MP का AI ड्यूल कैमरा जो है आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। अभी आपको और फीचर्स इसके बताएं तो आपको जो वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं सारे के सारे सेंसर्स जो कि मौजूदा समय में रिक्वायर्ड है। यहाँ पर जो वो रूबी रेड कलर का हमारा जो ये फ़ोन मिल जाता है हमारे को 4 GB 64 GB का। तो अभी जो इसको फटाफट करते हैं ओपन आपके सामने और दिखाते हैं क्या क्या मिलता है अंदर, क्या क्या मिल जाता है। उम्मीद है सबसे पहले मिलेगा सिलिकॉन जो वो है वो कवर आपको, तो निकालते हैं हम लोग और बॉक्स कर देते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं सिलिकॉन बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है हमारे को। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मिल जाएगा सिम इजेक्टर टूल, जो कि आपको रख लेते हैं दिखाने के लिए कि क्या क्या मिल जाएगा अंदर की तरफ, क्या क्या सोल्यूशन है। और यहाँ पर देखिए आपको यूज़र गाइड रखी गई है, और ये रखा गया है साथ में एक केयरिंग केस, काफ़ी गजब का है ये, और ये सिलिकॉन वाला ट्रांसपेरेंट ज़बरदस्त कवर होता है। यहाँ पर साइड में लिखा होता है डिज़ाइंड बाय ज्योमी। और अभी जो वो फटाफट एक्सेस करते हैं इस फ़ोन की तरफ, यहाँ पर रखा गया है ये यूनिट रूबी रेड कलर में, और यहाँ पर देखिए आप गजब की लुक है इसकी, देखिए एक बार, वाओ क्या गजब दिया गया है ये, गजब की नोच, हल्की सी स्पीकर ग्रिल, रेडमी लिखा गया है गजब का। इस तरफ देखेंगे तो आपका वो स्लॉट जहाँ पर हम सिम कार्ड डाल पाएंगे आसानी से, और पीछे की तरफ इसकी मेन हाईलाइट, ये एक गजब का ऑप्शन। फिंगरप्रिंट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाएगा आपको, नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा एक माइक्रोफोन का ऑप्शन, यहाँ पर स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी, और यहाँ पर सबसे गजब की चीज़ है जो है टाइप सी पोर्ट। बिल्कुल सही सुना आपने, टाइप सी पोर्ट यहाँ पर आपको आपका मिल जाएगा, 3.5 mm जैक वाला, गाने सुनने के लिए, बात करने के लिए, मज़े लेने के लिए ऑप्शन। यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर्स हैं ऊपर नीचे करने के, और यहाँ पर लॉक अनलॉक बटन मिल जाएगा। ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर मिल जाएगा आपको, इससे कोई भी TV वगैरह आप हैंडल कर सकते हैं, AC, फ्रीज, कूलर, जो भी आपके रिमोट से चलते हैं वो। यहाँ पर वॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है ऑप्शन आपको, और क्या गजब का है इसको। मैं बूट करता हूँ और साथ के साथ करता हूँ इसके सिम ट्रे को ओपन, देखते हैं क्या मिल जाता है हमारे को, क्या हम सच में दो सिम कार्ड और एक SD कार्ड लगा सकते हैं। बिल्कुल देखते हैं आपके सामने, ये लीजिए अभी फटाफट ओपन होता है, ये लीजिए, वाह ग्रेट, एक बार देख सकते हैं आप, यहाँ पर लग जाएगा एक SD कार्ड और 2 SIM कार्ड, वाह ग्रेट, आई लव दिस सॉल्यूशन, फटाफट। और यहाँ पर ये स्टिकर दिया गया है, नॉर्मल है ये EMI नंबर वगैरह के बारे में। यहाँ पर देखिए UI मिल जाता है आपको देखने को, तो मैं फटाफट इसका कवर उतार देता हूँ एक बार के लिए, ओके ये लीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको क्या गजब की फील है इसके अंदर, ये देखिए वाओ ग्रेट, आप देख सकते हैं एक बार के लिए, वाओ क्या रिस्पांस है इसका, स्क्रीन रिस्पांस काफ़ी गजब का है। तो ये देखिए आपको ये था सोल्यूशन, और अभी फटाफट बढ़ते हैं आगे की तरफ, आप देख सकते हैं स्क्रीन वगैरह इसकी,
और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अंदर की तरफ हमारे को और जो वो क्या-क्या मिलता है इस यूनिट के साथ में। एमआई ने हमेशा एक गलती की है, ईयरफोन नहीं देता है, देना चाहिए। यहाँ से सीधा एक्सेस करके इस कागज़ को हटा दीजिए। यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक अडेप्टर, जे की जिसकी रेटिंग्स है मैं आपको बता देता हूँ पावर क्या क्या है इसकी। ये 5 वोल्टेज आउटपुट वाला जो वो मिल जाता है आपको, और ये जो सपोर्ट करता है फ़ोन फास्ट चार्जिंग, जो कि काफ़ी गजब की चीज़ है। और यहाँ पर मिल जाती है आपको माइक्रो USB 2 टाइप सी पोर्ट का केबल, बिल्कुल टाइप सी है जो ये मिल जाता है। इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी गजब का फ़ोन है ये। मज़ा आ जाने वाला है आपको इसको देख करके, और यहाँ पर जब आप इसको यूज़ करके जो आनंद आने वाला है वो आप भूल जाइए बाकी चीज़ों को, क्योंकि इस रेंज में इस प्राइस में आपको इससे बेटर डील नहीं मिल सकती है। सही सुना आपने, इससे बेटर डील नहीं है। प्रोसेसर हल्का पुराना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन में कोई कमी है। ये आपका जनरल यूजेस के लिए और जिस प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है ये बहुत ही गजब की डील है। और ये है हमारा वो प्यारा फ़ोन। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अनबॉक्सिंग अच्छी लगी, और आप जब वो देख पाए आसानी से इसके सारे स्पेसिफिकेशंस और इसके बारे में जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लेना, और कमेंट में बताइए आपको ये वाला फ़ोन कैसा लगता है, क्या आप इसका वेट कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट परचेज़ कर लीजिए।